कराकी थाना एदमदला और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद गौ तस्करों को जेल भेज दिया गया है। कराकी थाना एदमदला पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 9 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह गौ तस्कर 4 अप्रैल की रात को पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे। तब पुलिस ने इनकी घेराबंदी भी की थी, लेकिन यह सादरा के पास ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। ट्रक में करीब 2 दर्जन गौवंश तब पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस को तब से इनकी लगातार तलाश थी। आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरी पर्वत स्थित कार्यालय पर एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्त में आए गौ तस्करों के नाम इरशाद, अरशद, आदिल, सद्दाम, सलीम, गौरव, वसीम और इमरान हैं। वही इनके 2 साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फरार साथियों के नाम गिरधारी और मुन्ना है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ट्रक, एक आयसर कैंटर और अवैध तमंचा बरामद किए हैं। पुलिस टीम इनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद इन्हें जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। 3 रात्रि और 4 के मॉर्निंग में मई 2021 को एक ट्रक बैरियर तोड़ते हुए पुलिस का जाता है, भगवान टॉकीज की ओर से एदमदला की तरफ जाता है। इसमें कुछ संगठन के लोग भी इनका पीछा कर रहे थे। पुलिस को भी सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। इन्होंने अपना ट्रक, जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठे हुए थे, 7-8-10 व्यक्ति जो भी बैठे होंगे, उन्होंने ट्रक को छोड़ के वो वहाँ से फरार हो गए। और गाड़ी जो है ट्रक HR पासिंग का, उसके ऊपर नंबर प्लेट थी HR55P0488। ये गाड़ी उन्होंने बीच में छोड़ के वो चले गए। जब गाड़ी खोल के देखी गई, ट्रक जो पीछे का पार्ट जो है उसको खोल के देखा गया, तो उसमें 17 जानवर उसमें मौजूद थे, गोवंश उसमें थे, जिसमें से 4 जो है जिसकी मृत्यु हुई थी। उसमें जो भी प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम की, वो कराई गई बाद में। इसमें एक बाद में ये भी पता चला कि उन्होंने फायरिंग भी पुलिस के ऊपर और जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहे थे उनके ऊपर की थी। तो इसमें 297/21 धारा, 307, 427, 11 पशु निक्रूरता अधिनियम और 3/8 गोवन अधिनियम में थाना एदमदला में इसमें पंजीकृत किया गया। जब इसकी ट्रक को जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू कर दिया, तो ट्रक के चासिस नंबर और अन्य जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उसे हम लोगों ने वेरीफाई किया, तो उसमें ट्रक का जो पासिंग है, असली पासिंग, वो UP 80 निकला, जिसके जो रजिस्टर्ड पता है वो इरशाद नाम के व्यक्ति का दिया गया था, जिसके पुत्र के नाम पे गाड़ी थी आदिल, और ये लोहा मंडी का रहने वाले पूरा परिवार है। जब सर्वेलांस और CCTV के माध्यम से और डिटेल एनालिसिस किया गया, तो इन लोगों को, हम लोगों को गैंग के बारे में पता चला। कल एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी पुलिस को कि ये लोग, सभी लोग राजस्थान जाने की फिराक में है, जो कि इनका मेन अड्डा भी है। तो इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने मौके से की। आयशर गाड़ी वहाँ से बरामद हुई थी। जब पूरे लोगों का, इन सबका जब इंटरोगेशन किया गया, तो ये पता चला कि ये लोग किसी गिरधर नाम के व्यक्ति के माध्यम से कुछ भाट प्रजाति के लोगों के संपर्क में है, जिनसे वो लोग जानवरों को खरीदते हैं, आवारा पशु जो रास्ते पे घूमते हैं, या इवन किसी के घर में अगर बंधे भी हो तो वहाँ से भी चोरी करना इत्यादि के माध्यम से ये लोग उसको प्राप्त करते हैं। एक जानवर की कीमत लगभग 2500-3000 रुपये होती है, खरीदारी की कीमत। इन लोगों को, इन गोवंशों को गाड़ी में रखा जाता है और उसको बिहार ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बिहार में कुछ लोग इन्होंने जिसके नाम बताए हैं, ग्यासु, अनवर और शमशेर, उसकी भी हम लोग पता कर रहे हैं। पता रसी, सुराग रसी इसमें भी चल रही है। और ये लोग वहाँ पे प्रत्येक जानवर को करीबन 35-40 हज़ार रुपये में बेचते हैं। वहाँ से जो भी व्यक्ति होता है इसको ख़रीदने वाला, वो गाय भैंस जो भी है, बैल है, ये कटने के लिए आगे जाते हैं, फिर वेस्ट बंगाल जाते होंगे, इवन बांग्लादेश जाते होंगे, जिस भी एरिया में जाते होंगे। इसमें हम लोगों ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो मेन व्यक्ति है, इसका नाम इरशाद है, उसके 4 अन्य बेटे हैं, इनके कुछ बाकी के रिश्तेदार हैं, इमरान उसका एक रिश्तेदार है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसका नाम उस दिन, जो उसका नाम है वो गौरव है। उसमें हेल्पर्स भी थे, सलीम और वसीम। इन लोगों का, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है। पहले भी ये लोग डॉकी से जेल जा चुके हैं, डॉकी थाना क्षेत्र से। इनमें, इनके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लगाया गया है पहले ही। इन लोगों ने ये बताया कि इस धंधे में जो अन्य लोग काम करते हैं, कुछ मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं, कुछ मुरादाबाद के हैं, लखनऊ के हैं, इनके ऊपर भी नज़र जो है वो रखी जाएगी। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में थाना क्षेत्र एदमदला के प्रभारी निरीक्षक और सर्वेलांस प्रभारी, उनकी टीम, SOG प्रभारी, उनकी टीम, सभी ने बड़े मेहनत से इस पूरे टीम को जो है वो पकड़ा है और इस गैंग को बस्ट करने में सफलता भी मिली है।
देखिए अंतर जनपदीय जो बैरियर्स है और जनपदीय बैरियर है उसको और सुदृढ़ और स्ट्रांग बनाने के निर्देश श्रीमान SSP महोदय द्वारा दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अन्य जो हम लोग इंटेलिजेंस डेवलप भी कर रहे हैं, हमारे LIU को इसमें लगा दिया गया।